सोनू जी, मेरा सवाल यहाँ सामने जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि गाने पहले जैसे नहीं बनते, लेकिन रीजन क्या मानते हैं म्यूजिक हावी है? क्योंकि लोगों को अब जो गाने आते हैं कुछ दिन याद रहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन पुराने गाने आज भी लोग याद करते हैं, उन्हें याद रहता है। अगर कोई फेवरेट सॉन्ग बोला जाए तो पुराने गानों को ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, तो आप रीजन कमी कहाँ मानते हैं कि गाने वैसे नहीं बन रहे, वैसे लिखे नहीं जा रहे या गाए नहीं जा रहे, या म्यूजिक हावी है? अच्छा सवाल है आपका। इसका आपको मैं बड़ा क्लियर आंसर दूंगा। इसका इसका एक पॉलिटिकली करेक्ट आंसर हो सकता है कि पहले ये अभी ये वो सब, बट आई टेल यू, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है और काम कर रहा हूं। हर इंसान का चरित्र, कैरेक्टर उसकी म्यूजिक में आता है, अगर आप, या आर्ट में आता है। अगर आप पेंटर हैं तो जो आपके, अगर आपके अंदर अग्रेशन है तो आपकी पेंटिंग में अग्रेशन आएगा। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपकी पेंटिंग में स्पिरिचुअलिटी आएगी। म्यूजिक में भी ऐसा होता है कि अगर आप में ठहराव है तो आपकी म्यूजिक में ठहराव आता है। आज के जमाने में ठहराव का मौका अमूमन कंपोजर्स को नहीं मिलता। फटाफट काम करना होता है, एकदम ये डेडलाइन, ये गाना, ये सिचुएशन ऐसा, तो उसमें जल्दी में गाना बनता है। और उस जल्दी में फटाफट गाने में जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक कैची वर्ड डाल देना, फिर एक वर्ड को बार बार रिपीट करना, कोई हुक बना के, जैसे यहां मॉनिटर्स पड़ा है यहां, तो गाना तीन बार कर दे तो हिट हो गया। तो ऐसे ऐसे फटाफट हुक वर्ड को देखा जाता है कि ये एक चीज को बार बार रिपीट किया जाए। तो अमूमन गाने दो चार, जैसे कहते ना, ये एक तरीका होता है, कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, कि गाने को कैसे हिट बनाया जाए कुछ हुक वर्ड को सोच के। तो फिर जब गाने में वक्त नहीं दिया जाता इतना, तो गाना भी शॉर्ट स्पैन होता है। जब गाने को बहुत मन से सोच के, फिल्में भी ऐसा होता है, जो लोग बहुत सोच के या टाइम देकर बनाते हैं वो फिल्में ज्यादा लंबे समय तक अप्रिशिएट की जाती हैं। गाने में भी ऐसा होता है, पहले के जमाने में शायद वक्त ज्यादा दिया जाता था एक गाने को बनाते वक्त, सिखाते वक्त, रिकॉर्ड करते वक्त, सबके सब एक साथ होते थे, सिंगर भी 20-20 बार गाने को गा रहा है, बजाने वाले भी साथ में बजा रहे हैं। सो यू गिविंग सो मच टाइम टू अ सॉन्ग, इट इज बाउंड टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी फटाफट गाने बन जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आज के गाने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। ऐसे कई गाने हैं जो, जैसे ये गाना मैंने नहीं गाया है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, खुदा जाने के मैं हूं, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो ऐसे गाने होते हैं जो बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, फिल्म चली जाती है पर गाने रहते हैं। मैंने तो वैसे बहुत सारे गाए हैं, सूरज हुआ, मध्यम, या कल होना हो, या अभी मुझ में कहीं, अग्निपथ, अभी ये लव यू सोने को जो गाना है ये। सो आई एम होपिंग कि ये गाना भी उसी लिस्ट में हमेशा रहे। लेकिन आज नहीं सुनाऊंगा, आज लव यू सोनियों का है तो आज नहीं गाऊंगा, ये चीज आराम से गाऊंगा, आपके कान में गा दूंगा, आप बाहर आना फिर आपके कान में गा दूंगा मैं, गा देता हूं। उसके एक ही लाइन मुझे नहीं आती, बस लिरिक्स पढ़िए। प्यार तेरा इस तरह से मुझ में शामिल हुआ, दिन ब दिन तेरे बिन जीना मुश्किल हुआ, ओ जाने कैसे इश्क आया दिल की जमीन पे, जाने कैसे हल्के से रखा कदम, घर घर गया हमारे दिलों में ऐसे, हाँ ना तुम जानो ना हम। प्यार तेरा इस तरह से मुझ में शामिल हुआ, दिन ब दिन तेरे बिन जीना मुश्किल हुआ,
ओहो जाने कैसे इश्क आया दिल की जमी पे, जाने कैसे हल्के से रखा कदम, घर कर गया हमारे दिलों में ऐसे, हाँ ना तुम जानो ना हम। Lovely. Thank you. So this is when you realize how legends are made. Absolutely brilliant. And do not forget... छोटी ये बड़ी नहीं कह सकते क्योंकि जब कयामत से कयामत आई थी तो भी वो छोटी फिल्म थी, तो नई लोगों की फिल्म को हमेशा छोटा नहीं कह सकते। गानों को बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, विपिन ने बहुत अच्छा काम किया है इस पर, और मुझे ये खुशी है कि अभी मुझे कहीं के बाद में हर एक फ्रेंड कमीना होता है, अर्ली मॉर्निंग जैसे बदमाशी वाले गानों के बाद में अब एक समझदारी वाला गाना एक और आया है जिसमें रोमांस है और मेलोडी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस गाने को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। आई एम होपिंग ये फिल्म और ये गाने लोगों के लिए एक यादगार बन के और बेंचमार्क बन के रहे। सुनील जी, जैसे आपने अभी बताया कि कई लोग अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं क्रिएटिविटी में, कई कंपोजर सिंगर्स बन रहे, सिंगर्स एक्टर्स बन रहे, तो आपने भी कुछ फिल्में की थी, बहुत पसंद आया था आपका काम, हमें हम चाहते हैं कि आप वापस कुछ ऐसा कुछ करते भी वापस कुछ होगा। और स्पेशली अभी चार लोग मिका भी आ गए हैं, अब बलविंदर सिंह फेमस हो गया, मैं एक्टिंग कर रहे हैं वो, तो आप एक्चुअली मैं अपनी जो भी मैंने फिल्में की थी उसमें से लव इन नेपाल के अलावा मैं किसी भी और फिल्म से ज़्यादा सहमत नहीं था। लव इन नेपाल एक ही फिल्म थी जिसे मैंने खुद पसंद किया और जिसे सबने पसंद किया था, लेकिन वो फिल्म बहुत लेट रिलीज़ हुई थी और अपने समय से पहले की फिल्म थी वो। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सिंसियर मानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में जो लोग भी काम करें, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या स्टूडियो हो, वो उतने ही पैशनेट होने चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में जितना मैं हूँ। क्योंकि मैं जब भी कोई काम करता हूँ, चाहे वो गाना हो या टेलीविज़न हो या एक्टिंग हो, मैं अपना खून निकाल के काम करता हूँ उस पर। तो जितना सिंसियर मैं हूँ, अगर मेरे आसपास के लोग उतने सिंसियर ना हों तो मज़ा नहीं आएगा मुझे लाइफ में। इसलिए मैंने अभी तक कोई फिल्म ऐसी नहीं की है या साइन की है जिसमें आप मुझे देख पाएंगे। वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं है, इतनी प्रेशियस लाइफ है, और मैं मुझे बहुत दुख होता है कि 100 दिन आप एक फिल्म को दें शूटिंग में, डबिंग में, प्रमोशन में, उसके बाद वो फिल्म ठीक से लोग देख ना पाएँ। इसलिए मैं कोई फिल्म अभी तक मैंने नहीं की है। अगर कोई सही समझदार लोगों का सेटअप मुझे समझ में आया और उन्होंने मुझे प्रपोज किया, अपने लिए तो मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा कभी भी। मुझे कंपोजर जी हाँ, मैंने फिल्म प्रपोज किया है अभी, मैं उसमें बिजी।